विद्वान संकाय सदस्य और प्रिय विद्यार्थी, प्रांग प्रारंभ में मैं प्राचार्य संयोजक और उनकी पूरी आयोजन टीम को इस तरह से एक अद्भुत संगोष्ठी के आयोजन और संगोष्ठी के लिए एक बहुत अच्छा और प्रासंगिक विषय चुनने के लिए बधाई देता हूँ। बौद्ध धर्म एक धर्म से अधिक है, लगभग 6 मिलियन लोगों का जागरूक जीवन का तरीका, जिसमें कुल विश्व आबादी का लगभग 7% शामिल है, जो सिद्धार्थ गौतम से प्रारंभ होता है, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ। अपनी कम उम्र में उन्होंने मानव खुशी की कुंजी खोजने के लिए विभिन्न शिक्षाओं, धर्मों और दर्शन की खोज शुरू की। आखिरकार उन्हें मध्यम मार्ग मिल गया और लगभग 2500 साल पहले वह 35 साल की उम्र में बुद्ध जागृत यानी प्रबुद्ध बन गए। इस इतिहास के दौरान विशेषकर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म की उनकी शिक्षा और परंपराएं, विचारों और प्रथाओं के निम्नलिखित स्कूलों में विकसित हुए। हीनयान संप्रदाय, जो पहले 100 वर्षों तक बुद्ध के समय की मूल शिक्षाओं का पालन करता था और उसके बाद लगभग 18 उपसंप्रदाय हीनयान के तहत हो गए और थेरवाद उनमें से प्रमुख बन गया, जो 386 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध धर्म में पहले विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ। थेरवाद, जिसको बुजुर्गों की शिक्षा कहते हैं, जिसे दक्षिणी बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से श्रीलंका सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। आधुनिक थेरवाद, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से एक श्रीलंकाई शाखा से निकला, जो वास्तव में भारतीय स्थवीर निकाय का एक संप्रदाय है। थेरवाद के लिए पाली त्रिपिटक, जैसे पाली कैनन के रूप में भी जाना जाता है। धम्म, जिसे बुद्ध की सच्चाई या शिक्षा और संघ के संगठन का गठन करने पर सर्वोच्च अधिकार है। महायान संप्रदाय का उदय 72 ईस्वी में चौथी बौद्ध परिषद के बाद हुआ, जो बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन के 300 वर्ष के बाद हुआ। महायान यानी महानवान, जिसे पूर्वी बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, पूर्वी एशिया में प्रमुख है, जो हान राजवंश के दौरान चीनी बौद्ध परंपरा से उभरा है। वज्रयान को उत्तरी बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है और तिब्बती बौद्ध धर्म मंत्रयान, तांत्रिक बौद्ध धर्म और गूढ़ बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जो ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र तिब्बत, भूटान, मंगोलिया में भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तिब्बती महायान बौद्ध परंपरा में गेलुगपा स्कूल परम पावन 14वें दलाई लामा के तहत।